अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्हाइट हाउस में चल रही है मुलाकात। करीब दो घंटे तक ओबामा के साथ रहेंगे नरेंद्र मोदी, सातवीं बार अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक चलेगी द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर माथापच्ची की उम्मीद। बातचीत के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे दोनों नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाइट हाउस में लंच करेंगे प्रधानमंत्री। मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले के पहले दिन बड़ी कामयाबी, एमटीसीआर में एंट्री का रास्ता साफ, डेडलाइन खत्म होने तक किसी ने नहीं जताया विरोध। जबरदस्त हंगामा, परीक्षा के विरोध को लेकर प्रदर्शन कर रहा था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। पटना कॉलेज में दोनों छात्र संगठनों के बीच जमकर चली लाठियां, एआईएसएफ के 6 छात्र घायल, बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। टॉपर्स के गड़बड़ झाले पर आज तक की खबर का असर, एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद बिहार बोर्ड के दफ्तर में एसआईटी का छापा। छापेमारी के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से पूछताछ, कंप्यूटर जब्त करके थाने ले गई पुलिस। बिहार में तीनों टॉपर्स के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस, बिशुन राय कॉलेज का डायरेक्टर बच्चा राय भी सह आरोपी। टॉपर केस को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा, सुशील मोदी बोले बच्चों की बजाय बच्चा राय के खिलाफ हो कार्रवाई। टॉपर केस को लेकर बिहार सरकार ने दिलाया भरोसा, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बोले गुनहगारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली पहुंचे बिहार बोर्ड के टॉपर केस की आंच, बीजेपी नेता विजय गोयल ने अंकों के आधार पर डीयू में एडमिशन पर उठाए सवाल। कोर्ट से बाहर आने के बाद रॉकी केस में फंसी एमएलसी ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा सीएम से मिलकर सारी हकीकत बयां कर। पठानकोट एयरबेस पहुंची एनएसए की टीम, सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा, बामियाल सेक्टर पर भी करेगा दौरा। अखिलेश सरकार ने दिया मथुरा कांड की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा 2 महीने में पूरी करेंगे जांच। मथुरा कांड को लेकर अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को घेरा, बोले आखिर किसने दिया रामवृक्ष यादव को संरक्षण। मथुरा हिंसा में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका, अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज किया। मथुरा के जवाहर बाग में शुरू हुआ साफ सफाई का काम, सैकड़ों लोगों के पहचान पत्र, बैंक रिकॉर्ड और सरकारी प्रमाण पत्र बरामद। बागपत में दर्जा प्राप्त मंत्री ने डीपीआरओ को फोन पर दी धमकी, डीएम को भी गालियां दी, वायरल हुआ ऑडियो। स्मार्ट सिटी को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा कुछ शहरों को आधुनिक बताने से खत्म नहीं होगी समस्या। मिशन यूपी पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, एटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करेगा अपना दल, संस्थापना दिवस की रैली में अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। वरुण गांधी को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज, इलाहाबाद में समर्थकों ने रोकी ट्रेन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने की पूछताछ, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल जवाब। उत्तराखंड से सबक लेते हुए एमपी में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का फरमान, लुभाने वाले फोन की रिकॉर्डिंग करें एमएलए। टीएमसी में शामिल हुए त्रिपुरा में कांग्रेस के 6 बागी विधायक, स्पीकर को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के खिलाफ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, नाम पट्टी पर लगाया काला टेप। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी सम्मेलन में हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। अब राजस्थान में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने दी चेतावनी, 12 जून को होगा महापड़ाव। ग्वालियर में योग शिक्षा के नाम पर फूहड़ता परोसने का आरोप, गुरु परम आलय ने फिल्मी गाने पर युवाओं और महिलाओं से कराया डांस। जीवाजी यूनिवर्सिटी में चल रहा है गुरु परम आलय का योग कैंप, सूबे की बाल विकास मंत्री भी हुई शामिल। अहमदाबाद के मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर टला बड़ा हादसा, पटरी पर फंसी बस के सामने आई ट्रेन, ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। बस पार करने से पहले ही बंद हुआ रेलवे फाटक, तभी सामने से आ रही थी ट्रेन, बस में सवार थे करीब 25 लोग। बुलंदशहर में एक बच्चे की मौत के बाद जोरदार बवाल, प्रदर्शन कर रही महिलाओं और गांव वालों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। हरियाणा के फतेहाबाद में बड़ी वारदात, प्राइवेट बस में धमाके के बाद आग लगने से 15 मुसाफिर घायल। जाखल से फतेहाबाद जा रही थी बस, घायलों में एक शख्स की हालत गंभीर, बस की छत से लटक रहा था चिड़ियों को भगाने वाला पटाखा।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवराज्याभिषेक के दौरान दो गुटों में झगड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के धौलपुर में शराब माफिया के दो गुटों में फायरिंग, तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के हाजीपुर में पटना के कारोबारी की हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। इलाहाबाद में दो दिन पहले हुई हत्या को लेकर जोरदार बवाल, लोगों ने शव के साथ किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे लोग, पुलिस की लाठीचार्ज पर गांव वालों ने किया पथराव। कानपुर में ट्रक से टक्कर में साइकिल सवार युवक की मौत, नाराज लोगों ने बस में आग लगाई। कानपुर में सड़क हादसे से नाराज लोगों ने घंटों सड़क पर लगाया जाम। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में जानलेवा झड़प, पिटाई के बाद युवक की हत्या। पासिंग आउट परेड से पहले आईएमए के करीब से एक संदिग्ध गिरफ्तार, एक फर्जी आई कार्ड और ढेरों सिम बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में फेसबुक पर कमेंट को लेकर छात्रों में विवाद, सीनियर ने जूनियर स्टूडेंट पर कृपाण से हमला किया। बीकानेर में भीषण आग से कोहराम, पूरी तरह जलकर खाक हुए चार घर। जम्मू पुलिस ने जब्त किया 20 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 करोड़ रुपए कीमत। दिल्ली के पश्चिम बिहार में दिनदहाड़े हीरा कारोबारी से लूटपाट, करीब 2 लाख लेकर चंपल। दिल्ली में किडनी रैकेट में 3 और गिरफ्तारियां, वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस क्या कार्रवाई। पंजाब के लुधियाना में मंडी प्रधान के पद को लेकर विवाद, दो गुटों में फायरिंग, एक की मौत। राजस्थान के भरतपुर में जानलेवा बना रुपयों के लेन देन का विवाद, पूर्व फौजी ने एक शख्स को मारी गोली। इंदौर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही ने फिर ली एक मासूम की जान, इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दिन के नवजात की मौत। बुलंदशहर के एक महिला के साथ गैंगरेप, ग्रेटर नोएडा के दबंग डेयरी संचालक पर आरोप। यूपी के फैजाबाद में सामने आया यूपी पुलिस का बेशर्म चेहरा, 100 नंबर पर शिकायत करने से भड़के दारोगा ने बूढ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी गालियां। हाथरस में ट्रैक पर मिला युवती का शव, बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस थाने में एक शख्स ने की खुदकुशी, पत्नी की लाश मिलने के बाद पूछताछ के लिए लेकर आई थी पुलिस। झारखंड के जमशेदपुर में संतुलन खोकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 जख्मी। यूपी के हरदोई में गैस वेल्डिंग करने वाली गाड़ी में आग, सिलेंडर फटने से भड़की लपटे। इलाहाबाद के एक अस्पताल में हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग, सड़क पर मरीज। सिकंदराबाद में आईफोन स्टोर में चोरों ने लगाई सेंध, 25 लाख के मोबाइल की चोरी। दिल्ली के वजीरपुर में एक ज्वेलरी का शोरूम जलाने की वारदात, एक लड़के ने 3 नाकाम कोशिशों के बाद चौथी बार आग लगाई। दिल्ली के अमन विहार में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, नाबालिग है आरोपी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग, पीतल की ईंट को सोने का बताकर करता था सौदा, हथियार भी बरामद। मुंबई में दिल दहलाने वाली वारदात, राजस्थान के एक शख्स ने पत्नी की हत्या करके घर में ही किया दफन, पुलिस ने दबोचा। पत्नी की बीमारी से परेशान था राजस्थान का चांदमल, हत्या से पहले टॉयलेट बनाने के बहाने घर में खुदवाया था गड्ढा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, 7 लोगों की मौत। गुजरात के सूरत में पेट्रोल पंप में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने शातिर अपराधी को दबोचा। यूपी के आजमगढ़ में कुदरत का जानलेवा कहर, आसमान से गिरी बिजली ने ली 7 लोगों की जान। केरल के तटीय इलाकों में काले घने बादलों का डेरा, 9 जून को मॉनसून के दस्तक देने का अनुमान। शिमला में भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, आसपास के इलाकों में 10 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी सुहाना हुआ मौसम, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी ने तोड़ा 102 साल का रिकॉर्ड, श्रीगंगानगर और चुरू में 47 डिग्री पर पहुंचा तापमान। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश, अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट से लोगों को राहत। कम नहीं होगी आपके लोन की ईएमआई, कर्ज नीति की समीक्षा में आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई बढ़ने की दलील। अगस्त में होगी कर्ज नीति की अगली समीक्षा, आगे भी कटौती के संकेत नहीं, मूडीज ने कहा पिछली कटौतियों का फायदा मिला तो तेज होगी आर्थिक तरक्की। आरबीआई की कर्ज नीति का बाजार पर नहीं दिखा कोई असर, 232 अंकों के उछाल के साथ 27,009 पर बंद हुआ सेंसेक्स।
आरबीआई के गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन के दूसरे टर्म को लेकर जारी है सस्पेंस, कहा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के हाथ में है फैसला। निसान ने लॉन्च की नई छोटी कार डैटसन रेडिगो, दिल्ली में 2,39,000 रुपए दाम। मारुति की ऑल्टो और ह्यूंडई की ईऑन से करेगी मुकाबला। जल्द शुरू होगा दिल्ली से गुड़गांव के बीच हवा में प्रस्तावित मेट्रो का काम, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी बोले 400 दिनों में पूरा करने का है प्लान। झारखंड में जमशेदपुर के पोस्ट ऑफिस में गंगाजल बिक्री योजना की शुरुआत, 10 रुपए में मिल रहा है 110 मिलीलीटर का पैक। प्रदूषण से दिल्ली में कम हो जाती है 6 साल की जिंदगी, IITM और नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च की रिपोर्ट में बड़ा दावा। नेपाल पहुंची अनूठे मिशन पर निकली गुजरात की 4 बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर 10 देशों में फैलाएंगी जागरूकता। आज से शुरू हुआ पवित्र रमजान का महीना, मुसलमानों ने रखे रोजे, करीब 1 महीने बाद मनाई जाएगी ईद। अभी कप्तानी छोड़ने के मूड में नहीं धोनी, तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान के सवाल पर कहा कप्तान तय करना बोर्ड का काम। कल जिम्बाब्वे रवाना होने से पहले मुंबई में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बोले धोनी, अभी मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में तूफान का कहर, चुनाव प्रचार बीच में छोड़ इलाके का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री। रका में आईसिस के लड़ाकों के हौसले पस्त, बगदादी के कब्जे वाले शहर पर सीरियाई फौज ने तेज किया हमला। हांगकांग में कोर्ट से रिहा हुआ लोकतंत्र समर्थक मोर्चे का चेहरा बना छात्र, चीन के विवादित व्हाइट पेपर को जलाने के बाद 2014 में हुआ था गिरफ्तार। बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी की हत्या, बाइक पर आए 3 हमलावरों ने गला रेत कर किया मर्डर। लंदन के अस्पताल से पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिली छुट्टी, करीब 1 हफ्ते पहले हुआ था ओपन हार्ट सर्जरी। डेमोक्रेट नेता हिलरी क्लिंटन ने मजबूत की अपनी दावेदारी, राष्ट्रपति के रेस में उम्मीदवार बनने के लिए हासिल की जरूरी प्रतिनिधियों की संख्या। नीलाम हो रहा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का लिखा लव लेटर, हत्या से करीब 1 महीने पहले कथित गर्लफ्रेंड को लिखी थी चिट्ठी। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान कॉलिन का कहर, हर ओर सैलाब का मंजर, कई शहरों के लिए जारी की गई इमरजेंसी वार्निंग।